दोस्तों वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक्स मेजर ओम प्रकाश तलागी, भारतीय सेना। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो देखा था, ठीक है, कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक कुत्ते को पिल्ले को बेरहमी से मार मार कर एक बंदे ने उसकी निर्मम हत्या कर दिया। दोस्तों कसम से रात भर सोया नहीं, दिल बेचैन हो गया, आत्मा झिझोर रही थी और बदन कांप रहा था। जिस तरीके से उस बंदे ने हत्या करी ना, उस पिल्ले को मार मार के, ठीक है, उसके साथ एक कमीनी औरत भी बगल में है जिसके बारे में सोशल मीडिया में बताया नहीं गया ना, उसको रिस्पॉन्स दिया गया है, उसको इग्नोर मारा गया है। क्यों? क्योंकि उसका डंडा लेके उस वही कुत्ते को, ज़्यादा वीडियो का डायरेक्शन बता रहा है कि वो पिल्ले को वही कुत्ते के पिल्ले उसको वही डंडे से भगा रही होगी। उसके बाद ये बॉस बन के बंदी की एंट्री हुई है और इसकी एंट्री होने के बाद टर्निंग पॉइंट आया हुआ, ठीक है। वो जो औरत है वो कुतिया तो बच गई, ठीक है, जो जल्लाद है ना, ना वो औरत है ना आदमी है, वो मादरचोदा भड़वा है, ठीक है। एक सोल्जर होने के नाते मुझे ये बातें शोभा नहीं देती, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं ये बातें बोलूँगा और खुल के बोलूँगा, जिसकी फटे तो फटे, समझ गए। और पहले आप वो वीडियो देखो, उसके बाद में आपसे बात करते हैं। देख लो दोस्तों, ये औरत से इसने डंडा लिया है, ये जो कुतिया है ना, ये कभी नहीं, इस पर हाथ में मुझे 100% भरोसा है कि पिल्ले ने तड़प तड़प कर वो डंडा इसी औरत से लिया है। संजय की करतूत पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें वो साफ तौर पर पिल्ले को डंडे से पीटता हुआ और हाथ में उठाकर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ एक महिला भी मौजूद है। सीसीटीवी वीडियो देखकर पशु प्रेमियों में भारी गुस्सा फैल गया और झांसी रोड थाने में उन्होंने संजय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोपी संजय को पुलिस ने तलब किया और जब संजय थाने जा रहा था तभी पशु प्रेमी भी वहां पहुंच गए और संजय पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। सिपाही किसी तरह बीच बचाव कर आरोपी को थाने तक लेकर आए। फिलहाल झांसी रोड थाना प्रभारी ने दोस्तों इतनी हिंसात्मक कार्रवाई तो यार कितना भी भयानक, कितना भी दिल दहलाने वाला इंसान होना, कितना भी जिसकी प्रवृत्ति जानवर प्रवृत्ति होगी, ठीक है, वो भी ऐसे कांड करने से 100 बार 1000 बार सोचेगा यार। एक बार पक्का अपने भगवान को इष्ट देवता को ध्यान रखेगा कि क्या मैं कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। दोस्तों आप माने या यकीन माने या ना माने यार, मेरे भाई मेरे भाइयों, ठीक है, पशु प्रेमी होने के नाते, ठीक है, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं जानवरों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, उनको रिस्पेक्ट और सम्मान की नज़र से देखता हूँ, ठीक है। गर्मी के सीज़न में, यहाँ तक कि फ्रीज में बर्फ जमा कर भी मैं बाउलों में रख के उनके ठंडे पानी का बंदोबस्त करता हूँ और खाने पीने का बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ। और कहीं भी अगर डॉग नज़र आते हैं तो मैं एज ए रिस्पेक्ट के तौर पर उनको देखता हूँ, क्योंकि वो बेजुबान है,
अभी जिस शख्स को आपने देखा मानते जो सिक्योरिटी गार्ड की एक नौकरी कर रहा है और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में वो लगा हुआ, ठीक है, जहाँ उसको उसकी तनख्वाह मिलती होगी उसके बाद वो अपने परिवार का भरण पोषण करता होगा। अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि ये मादर चोर जो है सिक्योरिटी गार्ड का ये दरिंदा जानवर जो था, इसके बच्चों को ये अब क्या गाइड करता होगा, ये अपने बच्चों को क्या गाइड करता होगा, इंसानियत की और मानवता की परिभाषा के बारे में वो क्या बताता होगा, हैं, क्या शिक्षा अपने बच्चों को देता होगा, कौन सी एजुकेशन ये अपने बच्चों को देता होगा, किस तरीके से इसके परिवार की दिनचर्या चलती होगी, किस तरीके से जिस तरीके से इसने उस पिल्ले को बेजुआ पिल्ले को, एक बेजुआ पिल्ला क्या होता है यार, वो किसी तुमसे क्या मांगता है दोस्तों इस कमीने भड़वे को साइड करते हुए आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि वो ये आवारा जो डॉगी होते हैं गाय भैंस जानवर जो भी है जो छोड़ दिए गए हैं जो नकारे उत्तराखंड क्या पहाड़ों में भी ये गदर बुरी तरह से मच चुका है कि जो गाय जब तक दूध दे रही है फर्स्ट क्लास दूध दे रही है तो उसके मलाई और दूध मक्खन का पूरा सेवन करते हैं और उसका जैसी वो जो गाय वगैरह जब ये दूध देना बंद कर देती है तो उसको जंगल में कहीं दूर ले जाके बांट के आ जाते हैं और वो गाय जो है भूख प्यास से मर जाती है तड़प जाती है वही दम तोड़ देती है और उसी गाय के दूध को ये लोग जम के खाते पीते हैं, ठीक है, और जैसी बुद्धि होती है उसको लात मार के भगा देते हैं क्योंकि इनकी इतनी औकात नहीं होती कि ये कम से कम उसको पाल सकें और उसकी लास्ट जीवन तक उसको जरा सी घास दे सके, फ्री की घास देने की वो लोगों की औकात नहीं होती है। जैसे इनको लगता है कि कोई भी हो इनको लगता है कि गाय बुढ़ी हो गई यार किसी काम नहीं, बैल बुढ़ा हो गया अभी हल तो जोड़ नहीं सकता, तो ये चुपचाप जाके इसको कहीं दूर ले जाके बांध देते हैं क्योंकि वापस आ जाएगा, ठीक है, बांध के आ जाते हैं और अपना आके फिर अपना चैन की सांस लेते हैं यार जान बची। वो भूल जाते हैं इंसान के तौर पर कि जिस गाय को हमने पाला 12-13 साल, जिस गाय से हमने दूध लिया 12-13 साल, जिस गाय के दूध से हमने मेहमान को चाय पिलाई 12-13 साल, जिस गाय के दूध से हमने अपने बच्चों का पालन पोषण किया और अपने बच्चों के दिमाग को ब्रेन को तेज किया और उस गाय के सिर्फ स्वार्थ के लिए यार दोस्तों मानता कोई नहीं है, गाय हमारी माता है हमको सब कुछ आता है, है? सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, जैसे ही उसका काम था ख़त्म दूध देना बंद किया उसको कहीं ऊपर पहाड़ों में बांध दो अबे जला दो दानो शर्म करो, मानवता इंसान के नाते अपने देवता अपने भगवान अपने इष्ट देवता अपने प्रभु अपने यीशु अपने अल्लाह वगैरह सबसे डरो यार, भगवान ने उसको दुनिया में भेजा है कुछ समय चंद समय निकालने के लिए, ठीक है, तुम्हारे बाप की या हमारी जागीर तो है नहीं कि हम उसको मारें या काटें या कुछ करें, भाई देखो कुछ भी पैटा कानून के अंतर्गत जो भी है जानवरों को मारना, ठीक है, कानून अपराध है तो अब कटता है कट रहा है, हमारे वहाँ तो ऐसे ऐसे नंगे लोग हैं कि क्या बताएं, ठीक है, अनिल कपूर को आप देखते हो कि चिकन का बिल्कुल फ्रेश चिकन खाते हुए ऐड देता है, ठीक है, ये सब हमारे देश के हीरो है, ठीक है, एक वो रोनाल्डो है जिसने पेप्सी को साइड कर दिया कि स्वास्थ्य खराब होता है पानी पियो, ठीक है, एक हमारे यहाँ के जल्लाद है चाहे उसको अजद्दी पर ले लो, तम्बाकू हुआ खैर शराब का ऐड करता है, शाहरुख खान को शराब का ऐड करता है, पैसों से मतलब है देश से थोड़ी मतलब इनको तिरंगे से, ये सेलिब्रिटी थोड़ी है घंटा की सेलिब्रिटी कुछ नहीं है, लोग ये नाली के कीड़े हैं जो रहते रहते दुनिया से रुक जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टी हेरा जाएगी और ये साले कुछ नहीं किसी काम के नहीं, काम के नाकाज के दुश्मन अनाज के, क्योंकि देश को बर्बाद करने की जुगत नहीं है, वो ऐड को करते हैं जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है कि यार हीरो ने बोला है तो शराब ठीक होगी, हीरो ने बोला तो तम्बाकू ठीक होगा, हीरो ने बोला है अनिल कपूर बुलाओ जैसे इंसान ने बोला है जो 60 साल में भी अपने को जवान घोषित करने की कोशिश कर रहा है तो यार चिकन खाना अच्छा होगा, काटो करना खट्टा खट काटो और बिल्कुल उसको दर्द मरे मेहमान को लेग पीस परोसो। तो दोस्तों जो ये वीडियो आया ना उसके बाद कसम से रात को नींद नहीं आई मेरे भाई, ठीक है, जीना हराम हो गया, चैन टूट गया यार मेरे भाई, ठीक है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है जिस तरीके से उसको मारा गया है और जो वो औरत है ना साथ में चाहे वो उसकी वाइफ है चाहे कोई भी हो उस पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि उसी का डंडा लेके उसने मारा और उसने कोई भी रिएक्शन वीडियो आप गौर से देखना उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है इसमें, आप वीडियो को गौर से बारीकी से अगर जब फिल्टर करोगे 2.5 मिनट के वीडियो को उस लेडीज से ही इसने डंडा लिया है और उससे पहले उस लेडीज़ वही लेडीज ही पिल्लों को मार रही थी, ठीक है, यहाँ तो सबूत चाहिए, ठीक है, उससे डंडा लेके ये रैम्बो बन के सामने आता है
और ये मासूम बेजुबान पिल्ले को दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन मार के उसकी हत्या कर देता है। शुक्र है कि जो प्रेम जो जो है जानवरों से प्यार करते हैं, ठीक है, उन्होंने FIR दर्ज करवाई है और उसको अरेस्ट किया गया है, और जो पशु प्रेमी थे उन्होंने उसकी जम के कुटान करा है। कुटान इसकी समस्या का समाधान नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत दरिंदे वाला काम है, ये बहुत खतरनाक काम है, और ऐसे काम के लिए बहुत ही कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे कमीनों को। और वो जो औरत थी ना वो भी इसके साथ में शामिल है, तो उसको भी इसकी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इनको दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में याद रखना है, बेजवान है, आपसे कुछ नहीं मांगते, अगर आपको नहीं देना है मत दो यार कुछ उसको, अगर घर के आगे आज पे खड़े हो जाते हैं पानी मत दो, डरा के भगा दो यार, डंडा मत मारो भाई, ठीक है, खाने को नहीं देते हो मत दो, आपको घृणा होती है, आप इंसान के रूप में जिनोगे अपने अपने को बहुत ही खुशबूदार और बहुत अच्छा समझते हो, तो ऐसा मत करो, समझ गए, नहीं देना मत दो, वो तुम्हारा गला तो नहीं पकड़ रहे हैं, या FIR पुलिस में रिपोर्ट तो नहीं कर रहे कि इसने मेरे को वो नहीं दिया। बेजवान जात में आप पानी कहीं बाउल में रख दोगे खरीद के डाल दोगे तो वो पानी पी लेंगे, नहीं करोगे तो नाले का गंदा पानी पी के अपनी जिंदगी निकालेंगे, आपसे बिस्तर की डिमांड तो कर नहीं रहे हैं, गलती से आपके बरंडे में आके नीचे लेट जाते हैं या कुछ कर देते हैं, आप डंडा मार के कुआ कुआ कुआ, अगर मैं सुनूँ तो मतलब कि अगर रात को चुपचाप अगर कान को सीरियस होकर कान लगा के सुनूँ तो कहीं ना कहीं कुआ कुआ क्या सुनाई देगी कि भैया आगन के आगे बैठ गया है, उधर से डॉगी निकल गया, डंडे मारो मारो, तुम्हें पता है कि कितना स्वामी भक्त कितना रिस्पेक्टेबल जानवर होता है डॉगी, ठीक है, एक अगर रोटी का टुकड़ा दोगे जिंदगी भर आपको कभी नहीं भूलेगा, भले आप उसके बाद आप रोटी मत दो, ठीक है, आपको कभी भी काटने की गुस्ताखी कभी भी नहीं करेगा वो, ठीक है, इंसान धोखा दे सकता है लेकिन जानवर ऐसी चीज़ है जो कभी भी दोस्तों धोखा नहीं देती है, ठीक है, ऐसी कमीनता ऐसी बब्बरता जिस तरीके से किया है ना, कसम से दिल अंदर से वीडियो देखने की हिम्मत नहीं पड़ी दोस्तों, जिस तरीके से वो डंडे से मारा ना उस हराम खोर के, तो ना साले के हाथ पैर तोड़ के और वो पूरा डंडा ना उसके पिछवाड़े में डाल के और फिर निकाल के फिर डाल के फिर मुंह से निकालना चाहिए, ठीक है, ऐसे कमीनों का जब तक सज़ा सही तरीके से नहीं मिलेगी और गवर्नमेंट जानवरों के प्रति संवेदना के प्रति कड़े कानून नहीं लाएगी तो दोस्तों गाय कटती रहेगी, कुत्ते मरते रहेंगे, और ये इंसान रूपी जो हम लोग हैं ना अपने को खुदा समझ बैठे हैं, भगवान समझ बैठे हैं और बहुत बड़ा अपने को मतलब ऑल इन वन समझ बैठे हैं ना, तो हम कुछ नहीं है यार, हम एक नाली के कीड़े से पल्ले तरह हम लोग हैं, क्योंकि हमारी सोच इतनी विकसित हुई नहीं है, ठीक है, हम अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ सोचना चाहते हैं लेकिन दूसरे के प्रति जानवर के प्रति हम इतनी घृणा रखते हैं कि हम सोचते हैं पता नहीं क्या है, जबकि हम भी वही हाड़ मान सके हैं, दो मिनट के लिए अगर हंस उंगली का टुकड़ा काट गए तो सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, खुद तो उस उंगली के टुकड़े को नहीं उठाओगे अपनी, समझ गए दोस्तों, ये चीज़ हमेशा याद रखना, हाथों के लकीरों में कभी एतबार मत करना, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, और जिस दिन अगर ऊपर वाले का डंडा चल गया ना दोस्तों, पुस्त की पुस्त बर्बाद हो गई है, इतिहास गवाह, इस चीज़ का ध्यान रखना, बोलने के लिए इशारा काफ़ी है, जानवर से प्यार करो यार, ठीक है, वो प्यार के भूखे हैं, ठीक है, तुमसे लोन नहीं मारे, बजाज फाइनेंस या SBI का बैंक मैनेजर के पास जाके लोन की क्वाइट नहीं कर रहे हैं, अर्जी पुटअप नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन दो, समझ गए, घूमते दे दो, नहीं दे तो मत दो, लेकिन डंडा मारने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया, क्यों ना कि हमारी इसकी औकात है, ठीक है, इस चीज़ का याद रखना, जिस दिन फंसोगे लंबा जाओगे घर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, पीढ़ी की पीढ़ी में कीड़े पड़ते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, हंसी नहीं जाए, रो रहा हूँ अंदर से, जय हिंद।